सभी दोस्तों को नमस्कार। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि स्टीमकर में अपनी प्रोफाइल को कैसे लगाते हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले बार मैंने बताया था कि स्टीमकर में OTP प्रॉब्लम था, उसको मैंने सॉल्व किया था। आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, एक दिन में 26 व्यू आ चुके हैं, ठीक है। तो यह सब प्यार आप लोगों का चाहिए मुझे, और पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल घंटी को दबा दीजिए। और कोई भी हमारी वीडियो देखते हैं आप तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और एक अच्छा सा नीचे कमेंट भी कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी वीडियो अच्छी नहीं बन रही है। और जब भी आपको एजेंसी से ज्वाइन करना हो तो यहाँ पर मेरा दिया गया नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और एजेंसी में ज्वाइनिंग हो जाइए। और सबसे पहले मैं स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ कि सबसे पहले क्या करना है हमें। सबसे पहले स्टीमकर को ओपन कर लेना है। जो ये प्रोफाइल इसको चेंज करने के बारे में बता रहा था आपको, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर DP पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आइकन खुल गया। और हमें क्या करना है, यहाँ पर आराम से क्लिक करना है, और करने के बाद यहाँ से जैसे भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आपको पेंसिल आइकन में क्लिक करना है और यहाँ पर चेंज प्रोफाइल का ऑप्शन है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, यहाँ से आप करोगे तब की DP ओपन हो जाएगी। ये मेरा एजेंसी कोड है, यहाँ से आपका नहीं होगा। जो ये पेंसिल का आइकन है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम पेंसिल का आइकन में क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक कर अपनी प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। यहाँ से मान लो कि हमको ये DP लगानी है तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये ID सेलेक्ट हो चुकी है। ये कुछ ही देर में ये मेरी प्रोफाइल यहाँ पर लग जाएगी, क्योंकि ये एजेंसी की ID है। इस वजह से मैं अपनी फ़ोटो नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये एजेंसी की ID यहाँ पर मैं सब कुछ करता हूँ। अब ये एक ID भी है और बहुत सारी ID मेरे पास है ऑलरेडी। ये जो मेन ID थी यही एजेंसी की ID है, और मेरे पास और भी बहुत सारी ID है। और ये आपका ID कोड होता है, यहाँ से आप अपना नाम को भी चेंज कर सकते हो। तो ये सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और DP ये कुछ देर में चेंज हो जाएगी, यहाँ पर पेंडिंग दिखला रहा है। 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है कभी कभी, वैसे हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कि आपका ID अप्रूव नहीं है तो आपका DP लगने में मंथ में सिर्फ एक ही DP लगा सकते हो, और एक बार अपना नाम चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो, और आपको जैसे बार बार DP चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी एजेंसी में होस्टिंग करते होंगे, फिर आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो आपने सीख लिया कि इस वीडियो में कि अपनी DP को कैसे चेंज करते हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।